हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नीतू कुमारी मैथिली गर्ल चैनल में। तो आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए आम, कच्चे आम का खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम जीरा के बाद डाल दिए हैं 2 तोड़ के तेज़पत्ता। यहाँ हर मीडियम साइज़ के कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च। यहाँ पे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके हम इसमें डालेंगे। जब ये थोड़ा सा चटक जाएगा तो हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, क्योंकि आम की चटनी में लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। तो ये देखिए, सूखी लाल मिर्च इसमें हम डाल दिए हैं। यहाँ पे लाल मिर्च मेरा चटक गया था, तो यहाँ पे देखिए हम डाल दिए हैं आम। आम को हम लंबा पीस में काटे हैं, इसके बाद इसको धो करके और इसके बाद इसमें हम डाल दिए हैं। तो ये देखिए, आम को हम थोड़ा सा इसमें मिला देंगे ताकि आम और तेल एक साथ मिल जाए। इसके बाद अब हम इसको इसी टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे नमक। यहाँ पे हम 1/2 छोटी चम्मच नमक का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम मिला देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम करके रखे हैं। इसके बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सबको एक साथ अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए, एक साथ हम इसे मिला दिया। यहाँ पे हम कोई पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पानी एक बूंद यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अब इसको ढक करके हम 5 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि मेरा आम जो है वो थोड़ा सा गलेगा। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गया है। तो ये देखिए, आम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसको हम एक बार फिर से चला देते हैं। अब इसमें डाल देंगे साथ में हम यहाँ पे 200 ग्राम चीनी। आप चाहे तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल था चीनी, तो मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी से भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए, आम मेरा सॉफ्ट हो गया है और चीनी और आम एक साथ मिल चुका है। इसको अब हम ढक करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। तो ये देखिए, आम जो है अच्छे से चीनी पूरा पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम एक बार और चला देंगे। तो ये देखिए, अभी मेरा हुआ नहीं है। तो इस तरह से देखिए, चारों तरफ से हम मिला करके इसको छोड़ दिए हैं कढ़ाई में। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, क्योंकि ये आम का चटनी जो है वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आप इसे स्टोर करके 1 मंथ तक भी रख सकते हैं, इसको फ्रिज में स्टोर करके, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल ही, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे हम इसको और 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब मेरा चटनी जो है वो बिल्कुल ही तैयार हो गया है। तो ये देखिए, आम मेरा पूरा गल चुका है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इसको कूचेंगे। तो ये देखिए, इससे जो है चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से देखिए, चटनी जो है वो मेरा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरह से मिलाना है। तो देखिए, ये चटनी जो है मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अब हम एक बॉल में इसको शिफ्ट कर लिए हैं। तो ये देखिए, चटनी जो है वो मेरा कितना सुंदर बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।